हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज के इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनका पांचवा प्रैक्टिस सेट है। चार प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसने भी उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दिए, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और इन वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से कर लेना, ठीक है। टिक करके देख लें, यहाँ से एक बार पहले वीडियो देखें, फिर वहाँ से प्रिंट निकालें और उन प्रिंट के ऊपर आप टिक करके देखें कि आपको कितना याद हुआ है, ठीक है। इसीलिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन रिंग का जो ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालें उसका नोटिस आपको मिल जाए, आप उस वीडियो को देख सकें और फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती रहेगी, चाहे उसके लिए हमने 100 200 300 कितने भी प्रैक्टिस सेट करवाने पड़े, आप चैनल के साथ बने रहें दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तो कौन से अनुच्छेद में है ये आता आपका 331 में दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 331। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी, ये की गई थी आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, तो कौन से महासागर का है, ये है हिंद महासागर का दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है, तो दैहिक स्वतंत्रता ये आपकी आती है अनुच्छेद 21 के अंदर दोस्तों, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता आती है आपकी अनुच्छेद 17 के अंदर। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, ओणम आपका मनाया जाता है 10 दिनों तक दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में, त्यौहार का नाम है ओणम। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था, ये किया गया था चैत सिंह को दोस्तों, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा चैत सिंह। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है, छह सर्वाधिक, ठीक है, छह देश पूछे इन्होंने, छह जो सर्वाधिक जनसंख्या है जिन देशों की वो कौन से महाद्वीप में आते हैं, तो ये आते हैं आपके एशिया महाद्वीप में दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, आपको पता है 1930, 31, 32, ठीक है, गांधी इरविन समझौते चले थे यहाँ पे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1931, ठीक है। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों एवं जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है किसको, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने संविधान की जो है योजना बनाई थी और संविधान बनाया था भारत का। शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, शहीदी सभा ये मनाया जाता है आपका पंजाब में, ठीक है। बाणभट्ट ने राजा खालिस्तान की जीवनी लिखी, बाणभट्ट ने किसकी लिखी थी, हर्षवर्धन की दोस्तों। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, निर्जन द्वीप है लेकिन वहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य है, तो ये द्वीप आपका पिट्टी द्वीप दोस्तों, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा पिट्टी द्वीप। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से, बात करें तो कट का जो ऑप्शन है वो आपका इसमें नहीं आता, बाकी रीडू अंडू और सेव तीनों आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो इनमें से भारतीय संसद का अंग कौन सा नहीं है, देखिए बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, राज्य विधानसभा है, ये नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1978 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया, किसने कराया था, ये कराया था आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक फॉरेन हाइट में कितने स्केल पर होगा, जो शुद्ध जल है उसका क्वथनांक फॉरेन हाइट स्केल पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। एक गेंद को 37 से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम
37 दूरी तय होती है। ऐसा क्वेश्चन जो आता है उसमें हमेशा आपका 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री से किसी चीज़ को आप भगाएंगे या फिर जो फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा, वो चीज़ बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। तो 45 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है उड़ते हुए में, ये होती है केवल गतिज ऊर्जा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, तो बात करें ऊपर तो होना चाहिए काला और नीचे होना चाहिए उजला, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान, उस पर प्रतिदीप्ति चूर्ण छिड़ककर तथा निम्न प्रकाश में देखकर की जाती है, तो कौन से प्रकाश में की जाती है, पराबैंगनी में, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। दो संधारिता जिनकी धारिता 2F है 3F है वो एक श्रेणी में जोड़ देते हैं, एक तीसरा संधारिता जिनकी धारिता 1F है को उनके समानांतर जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या होगा, तो इसका जो परिणाम है वो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 11/5, यानी कि इनको जोड़ देंगे 11/5F हो जाएगा, ठीक है। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी, उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो वो बढ़ जाएगी दोस्तों। उसके बाद है ये आप न्यूमेरिकल टाइप है, इनको करके देख लेना। उसके बाद है पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्न में से क्या होगा, तो इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट एल्यूमिनियम यौगिक, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, गोबर गैस प्रणाली का सबसे पहले जो आविष्कार किया ये आपका CB देसाई ने, ठीक है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो कौन सी गैस होती है मिश्रित, वहाँ पे होती है आपकी हीलियम दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम, क्योंकि हल्की गैस होती है। सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है, सिट्रिक, ये होता है आपका नींबू में, ठीक है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, नमक की मात्रा होती है 0.4%। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है, पीला रंग होता है आपका यूरोक्रोम की वजह से, ठीक है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं कितने चौरणक होते हैं, ये होते हैं आपके 12 चौरणक, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप खुद से करके देख लेना, PDF डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर कूल बॉय कूल बिल लिख के आप टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं, सर्च में ऊपर टेलीग्राम जब आप खोलते हैं वहाँ पे सर्च में लिखिए कूल बॉय कुलबीर और सर्च कीजिए, हमारा ही चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, चू द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन आपने इसमें बतानी है, सी एज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डेस्ट स्मोकिंग, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 2, थर्ड ऑप्शन। इनकरेक्ट पार्ट आपने इनमें से छाटना है, वेन एवर इज द मैटर सेल डू दिस वर्क बिकॉज आई हैव टू एक्सपोज माई वर्किंग कैपेसिटी एट एनी कॉस्ट, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वेन एवर इज द मैटर, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से आपने निकालना है आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है, मैंने कोई भी लेटर यहाँ पे नहीं लिखा। उसके बाद एंटोनियम आपने बताना है, होप, होप का एंटोनियम क्या हो जाएगा, होप का होता है डिस्पेयर, ठीक है, होप का आशा होती है और डिस्पेयर क्या होती है, निराशा। सिनोनियम सेम मीनिंग बताना, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु हो सकती है आपकी जैसी, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिसअप्रूव, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद आपने क्या होता है, इडम्स और फ्रेज हैं, टू लूज वंस बियरिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजिशन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, जो करेक्टली स्पेल्ड है आपने वो बताने हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन सेकेंड है क्लैंडेस्टिन, ठीक है, CLANDESTINE, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। गिवन बिलो फोर सेंटेंस दिए गए हैं आपको जंबल में है, तो आपको सही से इनको करना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट DBC है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस हैज गिवन बीन एक्टिव पैसिव वॉइस में है, ठीक है, यू हैव टू डू दिस इमिडिएटली, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दिस हैज़ टू बी डन बाई यू इमिडिएटली, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, आई टोल्ड देम टू बी ए क्विट, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन है, आई टोल्ड देम बी क्विट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। अचल दुर्ग हो उठते चंचल, चप्पल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपने बताना है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें है विरोधाभास, ठीक है। उसके बाद है बात का धनी होना दिए गए विकल्पों में से किस मुहावरे का अर्थ कौन सा है, तो बात का धनी होना इसका मतलब क्या हो जाएगा, वायदे का पक्का होना, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है कोप और रोप किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं, कोप और रोप, तो कोप और रोप दोनों हैं आपके क्रोध के, ठीक है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है वाक्य में योग्य जो शब्द है वो क्या है आपका, योग्य यहाँ पे क्या है गुणवाचक, ठीक है, उसका गुण बताया गया है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था, न्यूनतम कम से कम, तो न्यूनतम आपकी उत्तम अवस्था, ठीक है। दिए गए विकल्प में से उदय का विलोम क्या होगा, उदय का अस्त होता है सबको पता है, फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता, जो स्त्रीलिंग में यूज नहीं किए जाते, तो बात करें एक तो सप्ताह, स्त्रीलिंग महीना, दोनों के दोनों पुलिंग है, ठीक है। उसके बाद कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति होत सुजन, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है दोस्तों, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस जरूरी है, कोई भी काम करते हो आप प्रैक्टिस सबसे जरूरी है, ठीक है, इसीलिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट हम लगातार करवा रहे हैं। उसके बाद चलिए संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो बात करें यहाँ पे देखिए रूस का समुद्र किनारे ये गलत है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन बर्फ के इन गोलों का बिल्कुल जमा हो रही रहस्य क्या है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे ये करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सूची एक को सूची दो से मिलान करना है कि लाला मुरलीधर ये कहाँ से थे, तो इसका देखिए सबसे पहले बात करें लाला मुरलीधर तो ये आपके पलवल से थे, ठीक है। अल्ताफ हुसैन अली ये पानीपत से हैं, पंडित नेक नाम ये रोहतक से हैं और पंडित श्रीराम शर्मा ये झज्जर से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इनका, फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हरियाणा खेल नीति 2015 के तहत एशियाई खेल में पदक विजेताओं को दी जाने वाली पुरस्कार राशि से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, तो देखें यहाँ पे क्या तथ्य दिए गए हैं। स्वर्ण पदक विजेता 3 करोड़, रजत पदक विजेता 1.5 करोड़, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा, दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। स्वर्ण पदक को तो दिए जाते हैं 3 करोड़, रजत पदक को 1.5 करोड़। सन 1950 में चंडीगढ़ नगर का प्लान किसने किया था, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं, तो ली कार्बूजियर इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। अगर बात करें प्लान की, प्लान तो किया था अल्बर्ट मेयर ने, ठीक है, अल्बर्ट मेयर ने किया था और फिर डिजाइन किया था कार्बूजियर ने, ठीक है। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी कौन सी मिट्टी, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। 1680 में राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था कौन सा था, ये था आपका सिनसिनी एवं सोंदी। अंगल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए, तो समरू को दिए थे करनाल और गुड़गांव के कुछ गांव, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नी के मंदिर हैं, कौन सी जगह पे हैं, ये अनरक तीर्थ में, कौन से में, अनरक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र जिले का सबसे पुरानी नगर पालिका का नाम बताएं जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी, कौन सी थी नगर पालिका, तो बात करें इसका राइट आंसर है आपका लाडवा, ठीक है, कुरुक्षेत्र में लाडवा जो है सबसे पुरानी रियासत थी। हरियाणा सरकार ने डोमेन मस्क्यूल डिस्ट्रॉफी के मरीजों को कितने रुपए की पेंशन देने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा आपका 2500 रुपये, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। उसके बाद है यमुनानगर जिले में चूहरपुर गांव में 110 एकड़ क्षेत्र में कौन सा पार्क विकसित किया जा रहा है, तो ये आपका किया जा रहा है कौन सा, चौधरी
देवीलाल पार्क फर्स्ट ऑप्शन। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरसा के अंदर, इन ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस तरह ईंधन पर आधारित 25-25 मेगावाट के बिजली संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? आपकी गुरुग्राम में, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? तो ये आपकी कहाँ पे की जा रही है? कुंडली सोनीपत के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सुमेलित करना है जो ये आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये देखिए, शिवालिक जो है ये आपकी कहाँ पे है? राज्य का उत्तर पूर्व भाग है, ठीक है, बिल्कुल। गिरिपाद मैदान ये यमुना के घग्गर नदी तक हैं, जलोढ़ शिवालिक के गिरिपाद अरावली तक हैं, बाढ़ का मैदान हरियाणा का पूर्वी किनारा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद है हरियाणा राज्य में गुरुग्राम जिले की कुल सड़क लंबाई कितनी है? ये हो जाएगी आपकी 689 किलोमीटर। राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग शामिल है? तो शहरी जनसंख्या का ये है 34.88%। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा? ये लिखा था आपका राजाराम शास्त्री ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदयचंद ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। मास्टर चंदगीराम ने कुश्ती में 2 बार हिंद केसरी का खिताब प्राप्त किया। तो कौन सा सही हो जाएगा इनमें से? तो दोनों के दोनों जो ऑप्शन है बिल्कुल आपके करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1966 के अंदर दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? नहीं है तो बात करें सतलुज जो है वो आपकी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए आपको मित्ताथल से। मित्ताथल कहाँ पे है? भिवानी के अंदर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 ईस्वी में हरियाणा में कहाँ आर्य समाज की शाखा की स्थापना की? तो ये की आपकी रेवाड़ी के अंदर। जांद निम्नलिखित में से क्या है? जांद, जांद आपका एक वृक्ष है। लास्ट क्वेश्चन है हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल किस जिले में स्थित है? हटकेश्वर आपका जींद जिले में, ठीक है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा? और इसके आंसर की आपको यहाँ पे दे दी गई है, ये देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना, ठीक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहें दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।